हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू साहिद और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंसिस्ट सिस्टम जो होता है उसको बाथरूम में कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, मतलब कि बाथरूम में कैसे सही ढंग से इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो पहले मैं इसका एक पार्ट वन वीडियो बना चुका था जिसमें मैंने आपको अनबॉक्सिंग दिखाया था इसका, और जो बाहर का पार्ट होता है, इसका अंदर का पार्ट होता है, कैसे उसको इंस्टॉलेशन किया जाता है उसको मैंने दिखाया था, और ये पार्ट टू है उसी का। तो इसको हम लोग अभी बाथरूम में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अभी बाथरूम इसको हम लोग ले आए, और इसमें वाटर लेवल हम लोग एक छोटा सा वाटर लेवल आप देख सकते हैं लाल कलर का, उसको रख के हम लोग इसको पहले सेट कर ले रहे हैं, मतलब कि ये टेढ़ा ना हो। पहले इसको हम लोग देखते हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा है, उसके बाद हम लोग इसको पूरा एडजस्ट करेंगे, पूरा सटीक लेवल में करेंगे, उसके बाद में ही इसको फिट करेंगे हम लोग। तो पहले इसको लेवल हम लोग पहले अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि बाद में जब फिनिशिंग हो जाएगा बाथरूम और बाद में जब इसका फ्लश प्लेट लगे वो अगर टेढ़ा रहेगा तो वो भी टेढ़ा हो जाएगा। अगर ये पहले ही हम लोग इसको पूरा सटीक लेवल कर लेंगे तो बाद में ये काम अच्छा दिखेगा, मतलब बाद में फिनिशिंग होगा तो दिखने में वो सही दिखेगा और ये सीधा हो जाएगा। और दोस्तों, बाकी का नीचे आप देख सकते हैं ये यही मेन चीज़ है जिसमें कमोड फिट होगा। कंसिस्टेंट ऊपर लग जाता है लेकिन नीचे का ये पॉइंट होता है, अगर ये गड़बड़ हो जाता है तो आपको बाद में कमोड जो लगाइएगा उसमें आपको परेशानी आ सकता है। तो जो दोस्तों बहुत से लोग जानते होंगे इसका पॉइंट कितने में रखा जाता है, कितने में इसका मेजरमेंट किया जाता है, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। इसका दोस्तों मेजरमेंट होता है वो 130 mm से लेकर 140 mm तक आप रख सकते हैं, मतलब कि 5.25 इंची से लेकर 5.5 इंची आप रख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इसको 5.5 इंची में रख रहे हैं, और वहाँ पे बीच में हम लोग एक छोटा सा हम लोग प्लास्टिक दे दिए ताकि एडजस्ट करने में हमें आसानी हो। और दोस्तों, अगर आप इससे नीचे या ऊपर कीजिएगा, मतलब कि आप 7 इंची पॉइंट रख दीजिएगा या 4 इंची पॉइंट रख दीजिएगा, तो उससे आपको बाद में कमोड लगाने में बड़ी मुश्किल होगा, मतलब बहुत ही परेशानी होगा। तो यही पॉइंट आपको रखना है 5.25 से लेकर 5.5 इंची तक, और उसके बाद आपको कंसिस्ट सिस्टम है उसको आपको दीवार में मतलब आपको कस देना है, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कंसिस्टेंट है उसमें 4 स्क्रू लगाने की जगह दिया है, तो इसमें हम लोग हमारा जो स्क्रू है वो मतलब नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे जो इसका कील है कांटी है उससे भी आप ठोक सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं इसको। हम लोग कील या कांटी से अभी दीवार में इसको हम लोग सेट कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग वाशर लगा के हमारा जो कील है उससे पूरे चारों तरफ इसका इसमें जगह दिया हुआ है, चारों तरफ से मजबूती से आपको इसको कसना है। अभी ये 5 इंची की दीवार, मतलब बाद में इसके ऊपर भी 5 इंची का दीवार लगेगा, उसके बाद में टाइल्स लगेगा, उसके बाद में ये पूरा कवर हो जाएगा और पूरा मतलब अंडरग्राउंड हो जाएगा। अंडरग्राउंड होने के बाद इसमें बाद में प्लेट लगेगा और कमोड लगने समय सारा चीज़ होगा। तो बाकी भी इसको हम लोग चारों स्क्रू को पहले लगा लेते, उसके बाद में हमारा जो नीचे का पॉइंट है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। जो 4 इंची का जो आउटलेट पॉइंट है जिसमें कमोड फिट होगा, उसका हम लोग नीचे से फ्लोरिंग से कितने हाइट में उसको रख रहे हैं और कितने हाइट में आप काम करके रख सकते हैं। तो बाकी जो सारा इसमें हमारा ऊपर का काम है उसको पहले हम कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम देखते हैं सिस्टम का जो वाटर लेवल कितना बता रहा है, ये टेढ़ा है कि सीधा है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप ये पूरा मतलब सीधा इसका बता रहा है, और चारों स्क्रू था जो कील काटी था उसको अपने दीवार में सिस्टम का जो लगाने की जगह दिया हुआ था, 4 स्क्रू इसमें लगाने की जगह था, तो हम लोग चारों स्क्रू को दीवार में हम लोग वाशर और काटी जो होता है उसको हम लोग दीवार में ठोक दिए पूरा, और ये सिस्टम पूरा दीवार देख सकते हैं आप पूरा बैठ गया है, और उसका पॉइंट भी नीचे हम लोग पूरा अच्छी तरीके से छोड़ दिए हैं। और बाकी जो हमारा काम ऊपर का बचा, मतलब कि इनलेट इसका पाइपलाइन कनेक्शन देना है, मतलब पानी ये मेन चीज़ है, ये भी अगर आप पानी इसमें नहीं दीजिएगा तो पानी का फ्लश कैसे होगा। जो हमारा बाथरूम का वायरिंग था, मतलब कि PVC पाइप इसमें हमारा ऊपर का देख सकते हैं जो हम काट रहे हैं इसको थोड़ा ऊपर हम लोग बढ़ा के छोड़ दिए थे, बाद में सिस्टम लगाने समय इसको हम लोग अभी काट ले रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हमारा 12 सिम्बो लगा हुआ था, और उसके बाद में हमारा जो एल्बो प्लेन एल्बो उसमें लगा के इसको सिंपली इसको कनेक्शन कर देना है, और बाद में पूरा फिनिशिंग होगा तो पानी चालू होगा तो ऑटोमेटिक इसमें पानी आ जाएगा। इसके अंदर भी एक बल्ब होता है, वो बल्ब खोलने के बाद पानी इसमें इनलेट हो जाएगा। तो उसका कनेक्शन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नीचे का जो हमारा पॉइंट है मतलब 4 इंची का, उसको फ्लोरिंग से कितने ऊँचाई में हम लोग रख ले रहे हैं। Thank you.
दोस्तों ऊपर का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब नीचे का हमारा काम बचा है। दोस्तों एक बार हम लोग फिर इसको एक बार जो दोनों का बेस सेंटर है मतलब दोनों का मेजरमेंट है उसको पहले हम लोग एक बार फिर कर लेते हैं ताकि हमसे भी गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ किसी से भी हो सकता है और यही मेन चीज़ है इसका। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, 5.5 इंची में हमारा ये दोनों का बेस सेंटर सटीक आ रहा है और नीचे का भी अब जो 4 इंची है उसको भी हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। अगर जहाँ पे आप काम करते हो जिसका बाथरूम बन रहा है तो वहाँ का अगर टाइल्स मिस्त्री है तो उससे भी आप एक बार ज़रूर पूछ ले, सलाह ले ले ताकि जो इसका फ्लोरिंग लेवल है टाइल्स लगने के बाद कितना फाइनल फ्लोरिंग लेवल आएगा उससे पूछ के वाटर लेवल करके आप इसका लेवल रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका वाटर लेवल करके टाइल्स मिस्त्री से पूछ के इसका हम लोग जो बी सेंटर है ये फ्लोरिंग लेवल है, फाइनल फ्लोरिंग लेवल है, इसका सेंटर हम लोग 9.5 इंची में रख रहे हैं। और जो इसका स्टैंडर्ड सेंटर होता है वो उसे आप 8 इंची से लेके 10 इंची तक आप फाइनली रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं रखना है, मतलब 8 से लेके 10 के बीच में ही आपको रखना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।